समझ में नहीं आ रहा क्रिसमस है आज। आइडिया, मैं आज चॉकलेट ड्रॉल बनाती हूँ। एक सेकंड गाइस, आप तो इधर आ गए, आप प्लीज ये रेसिपी को ट्राई करना। आज हम लोग बनाने वाले चॉकलेट बॉल्स और ये है क्रिसमस के रिलेटेड और ये क्रिसमस स्पेशल भी है। इसके लिए आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इधर मैंने मेल्टेड चॉकलेट लिया है। इधर मैं आपको ट्रिक से ऑप्शंस दे रही हूँ, लाइक आप बोलो तो, आप चाहो तो अमूल डार्क चॉकलेट ले सकते हो, डार्क कंपाउंड ले सकते हो, चाहे तो आप डेरी मिल्क भी ले सकते हो, वो भी सारे टेस्ट में अच्छे लगेंगे और एकदम थिक कंसिस्टेंसी होना चाहिए, वो आप याद रख लीजिएगा। ये देखो, अभी ये जो मेरा मेल्टेड चॉकलेट है, मैंने एक बलून लिया है। देखो क्रिसमस स्पेशल है ना, इसके लिए मैंने रेड बलून लिया है और अभी मैं इसको, ये जो बलून है उसको मैं चॉकलेट के अंदर डिप कर दूंगी और एक बार इसे घुमा लूंगी। सो ये देखो, मैंने इसको डिप कर लिया और मैं इसको अभी एक बार बाहर निकाल रही हूँ। तो गाइस, आप ये देखो, आप सोच रहे होगे ये थोड़ा गंदा हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको लग रहा है कि ये इजी है, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पर इसके लिए आप ऐसा मत सोचना यार अभी मैं इसको ट्राई नहीं करूँगी, बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा मत करना। इसको ट्राई तो ज़रूर कीजिएगा। देखो कि कितने अच्छी से मतलब हुआ है पूरा स्प्रेड। अभी एक डिश लीजिएगा, आप डिश लीजिएगा, अभी बच्चा कुचा चॉकलेट जो होता है ना, चॉकलेट, उसको ऐसे नीचे थोड़ा सा प्लेस कीजिएगा। ये देखो, मैंने इस पर डिश पर थोड़ी सी चॉकलेट लगा ली है, अभी मैं इसको रखने जा रही हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। गाइस, अभी ये जो मैंने इसको चिपका दिया ना, अभी मैं इसको खाली फ्रीज करने रख दूंगी। आपको ज़्यादा टाइम नहीं करना है, खुद ही अच्छे से फ्रीज हो जाएगा, मगर 10 to 20 minutes करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो चॉकलेट है ना, पहले से हम लोग को, आप बाहर भी रखो ना तो भी ये ड्राई हो जाए, ऐसी चॉकलेट यूज कर लीजिएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा, अगर आप इसे बाहर रखोगे तो ये थोड़ा सा अच्छी तरह से नहीं होगा पूरा फ्रीज, तो आप फ्रीजर में रखो तो बेटर रहेगा। तो अभी ये जो है, मैं इसको डायरेक्ट फ्रीजर में जा रही हूँ, 20 minutes के बाद निकालूंगी और फिर आगे का हम आगे देखेंगे। देखो भाई, ये पूरा जम चुका है, खाली मैं अभी इसको पॉप कर दूँ। पॉप, मेरी तो मेहनत पूरी पानी में गई है, आप बिल्कुल मत ट्राई कीजिएगा। मैं भी ट्राई कर रही थी, मैं आपको बोलना भूल गई, पर ये मैं चॉकलेट में खाऊंगी। बाय गाइस, प्लीज ऐसे मत ट्राई कीजिएगा, बहुत गंदी तरह और प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, ये एक ट्रू स्टोरी है, ये सच्ची नहीं होता। आपको फेक लगता है तो आप बहुत एक बार ट्राई कर लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि दिस इज अ वेस्ट थिंग, यू विल नॉट ट्राई इट नेवर एवर।